गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे एंड ये जो पोस्ट आई हुई है वो अप्रेंटिस की है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 11/12/2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 11/1/2024 एंड जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट इसकी जो आएगी वो 12 फरवरी 2024 को आ जाएगी। ओके, अगर हम बात करें इसमें डिसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, तो जो डिसेंशियल क्वालिफिकेशंस है 11/1/2024 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड मस्ट हैव पास आईटीआई इन रिलेवेंट रेट। ये बात कर रहा है यहाँ पे कि आपका 10th क्लास पास होना कंपलसरी है। एज लिमिट के लिए बात करें तो जो एज लिमिट है should have completed 15 years of age and should not have completed 24 years of age and जो counting होगी वो 11/1/2024 के according and जो upper age limit में ये जो relaxation दिया गया है 5 years का दिया गया है SC ST में and OBC candidate के लिए 3 years का क्या age relaxation दिया गया है। closing date है कितनी 11/1/2024। okay, अगर हम application fee के लिए बात करें कि इसकी application fee कितनी लगने वाली है, तो कोई नहीं, एप्लीकेशन फी 100 इज टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ओके, 100 रुपीज यहाँ पे। अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए बात करें कि सिलेक्शन मोड क्या है, तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कुछ ये और जनरल इंस्ट्रक्शंस है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर हम बात करें फॉर्म को कैसे अप्लाई करना, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे एलिजिबल है। अगर हम बात करें तो एंगेजमेंट ऑफ एक अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओके, तो जो कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपका नेम, फादर्स नेम, कम्युनिटी कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए एंड कैंडिडेट डिसबोर्ड ऑफ कंटेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट ऑफ अपलोड, मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, वो बात कर रहा है आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन का साइज क्या होना चाहिए। जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन के लिए बात करें तो 10 KB से 50 KB के साइज होना चाहिए। तो ये हमने बात कर लिए हैं। कुछ यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि डिवीजन वाइज, जैसे क्लस्टर लखनऊ के लिए टोटल कितनी यहाँ पे वैकेंसी है 335। ओके, और ये जैसे कि क्लस्टर अम्बाला के लिए कितनी है 420, दिल्ली के लिए 65, जो क्लस्टर फिरोजपुर के लिए टोटल कितनी वैकेंसी आ जाती है 164 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है एंड क्या एग्जाम का पैटर्न है, एज लिमिट के बारे में हमने डिस्कस किया। अदरवाइज आप लोगों को डाउट आता तो चैट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड इसको, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी आई इसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आ पाएगा। अगर आप लोगों को और कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप इसको मेंशन कर देना। थैंक यू।